बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आज दलाइल का आगाज करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा क्या इम्कान हैं, आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी, फैसला आ जाएगा सामने? इम्कानात की बात की जाए तो आज वाज़े इम्कानात हैं कि आज इसके ऊपर फैसला मुतवक्के है, क्योंकि सिर्फ अटॉर्नी जनरल हैं जिनका आज दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस है जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट पाँचवीं समाअत करेगा, जो कि बराह रास्त नशर की जाएगी। इससे कबल फुल कोर्ट से पहले जो है लार्जर बेंच की जानिब से भी पाँच समाअतें की गई थी, और साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर हुक्म इम्तना भी जारी कर रखा था। आज ये समात होगी, अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। इससे कबल अगर समातों के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है एमकेएम के जो वकील थे फैसल सदीकी, उनकी जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फेवर में दलाइल दिए गए थे, और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जितनी भी जो दरख्वास्तें हैं मुखालफत में जो दरख्वास्तें आई हैं उनको मुस्तरद किया जाए, उनको खारिज किया जाए। इसके साथ साथ दूसरे जो वकील थे वो वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनकी जानिब से भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फेवर के अंदर जो दलाइल थे उनको अडॉप्ट कर लिया गया है। आज अटॉर्नी जनरल रह गए हैं जिनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा, और उसके बाद फैसला महफूज होगा, और जिसके बाद फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान भी है। अगर ओवरऑल जो बात की जाए कि जो मुखालफत में आए थे जो दरखास्त हैं कि फैसला सुना दिया जाए, हसी बहुत शुक्रिया आपका।